हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएसई पाठशाला में। सीजीपीएसई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, जिसमें हम चर्चा करने वाले अध्याय 3 राजकीय आय। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एवं छत्तीसगढ़ और केंद्रीय बजट 2022-23 की बुक्स आपके नजदीकी बुक डिपो में अवेलेबल है, और साथ ही साथ आप इस बुक को सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप से डायरेक्ट ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे कोरियर के द्वारा आपके घर में होम डिलीवरी करवाया जाएगा। साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का स्पेशल ऑनलाइन बैच आपका 15 मई से शुरू होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ये क्लासेस आपके 15 मई से शुरू हो जाएगी। आप इसका रजिस्ट्रेशन सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप के स्टोर सेक्शन में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर कुछ करेक्शन है आपके छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और बजट 2022-23 के बुक में, जिसे हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। आप यहां से इसका करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं अध्याय 2 जनगणना वाले में, तो इसे देख करके थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अध्याय 3 राजकीय आय, अब यह है क्या समझते हुए चलिए। सबसे पहले नंबर पर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP अग्रिम अनुमान 2021-22, ठीक है, अग्रिम अनुमान 2021-22। अब ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? अगर हम किसी देश के परिप्रेक्ष्य में, किसी राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कहते हैं GDP। अगर हम किसी राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो ये हो जाता है आपका GSDP, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए पहले। देखिए, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहा जाता है। जो बता रहा हूं डेफिनेशन, उसे पहले ध्यान सुन लीजिए, उसके बाद कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी भी देश, यानी कि हमारा भारत देश की भौगोलिक सीमा, भारत देश की भौगोलिक सीमा यानी कि जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु, यहां वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्या वर्ड यूज हो रहा है, अंतिम, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहा जाता है। अब अंतिम वस्तु का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक पेन है, पेन के अंदर, जो पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक भी यूज होता है, उसके अंदर का इंक भी यूज होता है, और उसके सामने का लीड भी यूज होता है। तो लीड का कुछ कॉस्ट होगा, उसके अंदर भरी जाने वाली स्याही उसका कुछ कॉस्ट होगा, साथ ही साथ प्लास्टिक मटेरियल का भी कुछ कॉस्ट होगा। तो ये सारे कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता, कच्चा माल या रॉ मटेरियल को कंसिडर नहीं किया जाता। जब ये पूरा पेन बन करके तैयार हो जाता है मार्केट में बिकने के लिए, तब इसका जो बने हुए पेन का जो मूल्य होता है, यह कहलाता है आपका अंतिम मूल्य। तो GDP क्या होता है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं। अगर ये देश के परिप्रेक्ष्य में तो देश कहलाएगा, राज्य के परिप्रेक्ष्य में है तो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड यूज होता है, एक होता है आपका स्थिर भाव और दूसरा होता है प्रचलित भाव। आप पूरा का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो आपको हर जगह पढ़ने के लिए मिलेगा स्थिर भाव और आपका प्रचलित भाव। स्थिर भाव क्या होता है और प्रचलित भाव क्या होता है, इसे ध्यान समझ लीजिए। देखिए, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाए, तो यह स्थिर भाव पर GDP GSDP कहलाएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12, यानी कि वर्ष 2011-12 में जो कीमत रही होगी उसके आधार पर अगर किया जाएगा, तो यह कहलाता है आपका स्थिर कीमत पर GSDP। अगर हम बात करें प्रचलित कीमत पर, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाए, तो यह कहलाता है प्रचलित कीमतों पर GSDP, ठीक है। यह तो हो गया आपका डेफिनेशन। अब जो एग्जांपल बता रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। यह एक पेन है, ठीक है, इस पेन का हम देखेंगे, इस पेन के आधार पर पूरे एग्जांपल को समझेंगे। मान लीजिए मेरे जेब में है आपका 100 रुपए, तो 100 रुपए क्या हुआ, 100 रुपए हुआ मेरा GDP, 100 रुपए क्या हुआ, 100 रुपए हुआ मेरा GDP। अब हम बात करते हैं वर्ष 2011 की, वर्ष 2011 में इस एक पेन की कीमत थी आपका 10 रुपए, पेन की कीमत कितनी थी 10 रुपए। तो मैं अपने GDP से, यानी कि मेरे पास मौजूद 100 रुपए से, मैं कितने पेन खरीद सकता हूं इस 10 रुपए वाली कीमत के, टोटल 10 पेन खरीद सकता हूं, ठीक है।
ये बात कब की हो रही है? बात हो रही है वर्ष 2011-12 की, अभी की बात नहीं हो रही है। वर्ष 2011-12 में इस पेन का कीमत था 10 रुपए, मेरा जीडीपी है आपका 100 रुपए, यानी कि मेरे जेब में है 100 रुपए, इस 100 रुपए से मैं टोटल 10 पेन खरीद सकता हूं। अब मान लीजिए, अब हम वर्तमान एट प्रेजेंट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इस पेन की कीमत हो गई है, एक पेन की कीमत 25 रुपए, ठीक है, एक पेन की कीमत हो गई आपकी 25 रुपए। तो अभी मेरे जेब का जेब में कितने रुपए? 100 रुपए। 100 रुपए क्या है? मेरा जीडीपी। मैं अपने इस जीडीपी यानी कि अपने जेब के 100 रुपए से इस 25 रुपए कीमत के कितने पेन खरीद सकता हूं? मात्र 4 पेन। पहले कितना खरीद पा रहा था? 10 पेन। अभी कितना? 4 पेन। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है, ये क्या चीज का मेन डिफरेंस हो रहा है? ये हो रहा है महंगाई की। पहले जो पेन 10 रुपए में मिल रही थी, अभी कितने मिल रही है? अभी ये पेन मिल रहा है आपका 25 रुपए का। 15 रुपए क्या है? 15 रुपए महंगाई है। 15 रुपए जो इसकी कीमत बढ़ी है, ये क्या है? महंगाई है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है डेफिनेशन में, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाए तो ये क्या कहलाता है? स्थिर भाव पर जीएसडीपी। और वहीं अगर किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों पर किया जाए तो यह कहलाता है प्रचलित भाव पर जीएसडीपी। इसमें मुख्य अंतर क्या होता है? स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर इसमें मुख्य अंतर होता है आपका महंगाई का, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसको मैं पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अग्रिम अनुमान 2021-22। जीएसडीपी, सबसे पहले हम देखेंगे जीएसडीपी का आकार, स्थिर कीमत पर प्रचलित कीमत पर। स्थिर कीमत पर हमारा छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा आपका 2,78,496 करोड़ रुपए। कितना रहा? 2,78,496 करोड़ रुपए, जो कि स्थिर कीमत पर आपका छत्तीसगढ़ का जीडीपी रहा। जबकि प्रचलित कीमत पर अगर हम बात करें तो प्रचलित कीमत पर है आपका 4,60,000 करोड़ रुपए, प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का जीडीपी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, वृद्धि हमारे इस जीडीपी में आपका पिछले वर्ष की तुलना में 11.54% की वृद्धि दर्ज की गई। किसमें? स्थिर कीमतों पर। जबकि प्रचलित कीमत पर 13.60% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। स्थिर कीमत जो कि आपके आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर है, प्रचलित जो कि वर्तमान बाजार के प्रचलित कीमतों पर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर जो है एग्जाम में या फिर सरकार जो भी आपका डाटा तैयार करती है वो स्थिर कीमतों के आधार पर ही करती है, क्योंकि स्थिर कीमत में क्या है? रेट यानी कि जो मूल्य है वो कांस्टेंट रहता है। जो प्रचलित कीमत है वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के कारण उसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं। एग्जाम में भी आपसे अक्सर स्थिर कीमतों के मूल्य को ही पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 के लिए कितना अनुमानित है, वो है आपका 2,78,496 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 11.54% की वृद्धि दर्ज की गई। यहां पर प्रचलित भाव पर कितना है? 4,60,000 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? यह है आपका 13.60%, ठीक है, 13.60% की वृद्धि दर्ज की गई। देखिए, ये जो आपका वृद्धि है ना, इस वृद्धि को ही आपका विकास दर, आर्थिक वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट, छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर सभी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहां पर नोट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है जीडीपी। यहां पर देखिए, ये जो आपका अंडरलाइन जो किया गया है, इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की आपका आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन आए हैं और इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का, अगर स्थिति पूछ रहा है तो वो होगा जीडीपी। अगर पूछा किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का, वृद्धि नहीं हो रहा है, यहां वृद्धि नहीं लिखा गया, यहां लिखा क्या गया? समवृद्धि। किसी भी राष्ट्र की समवृद्धि का, आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक क्या होता है? पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आर्थिक स्थिति पूछे तो जीडीपी, यदि आर्थिक समृद्धि पूछे तो आपका पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय 2021-22, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय रहा 92,031 रुपए,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय अनुमानित रहा वर्ष 2021-22 के लिए, इस वर्ष को भी ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वर्ष 2021-22 की बात हो रही है, वर्ष 2021-22 के लिए रहा 1,18,401 रुपए। ठीक है, देखिए एक साल का प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थिर कीमत पर, जैसे कि इसी वर्ष को अगर मैं क्वेश्चन लेते हुए चलूं तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था और स्टूडेंट से किस प्रकार की गलती हुई वो बता रहा हूं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2021-22 के लिए प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर अनुमानित रहा, उसमें से तीन ऑप्शन दिया गया था, तीन में से एक ऑप्शन दे दिया था 1,18,401, अगर हम इसी डाटा को एग्जांपल लेकर के चले। प्रश्न पूछा है स्थिर कीमत पर, जिसमें से तीन ऑप्शन दिया है और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन क्या था, इनमें से कोई नहीं, और इसमें जो है प्रश्न पूछा था स्थिर कीमत पर और एक आंसर दे दिया था प्रचलित कीमत का, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है इस प्रचलित कीमत को टिक करके आ गए, क्योंकि जब जो है स्टूडेंट रटने बैठता है ना तो केवल डाटा रटता है, स्थिर कीमत प्रचलित कीमत इस पर ध्यान नहीं देता। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्थिर कीमत पूछ रहा है प्रश्न में कि प्रचलित कीमत पूछ रहा है, क्या होता है कि जब डाटा हमारा रटा रुटा है डाटा जब एग्जाम में सामने आता है ना तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर ध्यान जाता ही नहीं है, तो ऐसे माइनर मिस्टेक से थोड़ा बचना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम 2021-22 में स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ का रहा 92,031 रुपए, जबकि प्रचलित भाव पर रहा या प्रचलित कीमत पर रहा 1,18,401 रुपए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में 11.93% की वृद्धि दर्ज की गई, कितना 11.93% की वृद्धि दर्ज की गई। अगर हम बात करें तो देखिए ये लिखा हुआ नोट, किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक क्या होता है, पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। ठीक है, डाटा को थोड़ा सा याद करते हुए चलिए नेक्स्ट। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्षेत्रावार अग्रिम अनुमान प्रतिशत वृद्धि 2021-22, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे एक लास्ट में एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। देखिए ये देखिए ये चार्ट बना हुआ है, सबसे पहले ये समझ लीजिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, कृषि क्षेत्र क्या होता है, उद्योग क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र क्या होता है, इसे पहले समझ लीजिए फिर हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ऐसे वस्तुएं या उत्पाद जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होती है, ऐसे वस्तु या उत्पाद जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होती है, प्रकृति से हम उसका डायरेक्टली दोहन करते हैं, यह कहलाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। देखिए यहां हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, न कि कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र ऐसे वस्तु एवं उत्पाद जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, जिसका हम प्रकृति से डायरेक्ट दोहन करते हैं, यह कहलाते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि फसलें, पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन के अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए कोयला, कोयले का हम खनन करते हैं और उस कोयले का उपयोग जो है जलाने के लिए करते हैं जिससे आपका विद्युत का उत्पादन होता है, तो यह खनन उत्खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि ऐसे वस्तु एवं उत्पाद जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है, जिसका हम प्रकृति से डायरेक्ट दोहन करते हैं, ये आते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये एग्जाम्पल जो दिया गया है ना इसको भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, फसलें, पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन तथा उत्खनन, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र ऐसे, देखिए द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है, द्वितीयक क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, और तृतीयक क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर करता है। देखिए एकदम आसान शब्द में आपको समझा रहा हूं, प्राथमिक क्षेत्र ऐसी वस्तु एवं उत्पाद जिसे हम प्रकृति से डायरेक्ट उसका जो है उपयोग करते हैं, उसका दोहन करते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाया। द्वितीयक क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करेगा, द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है, और तृतीयक क्षेत्र आपका द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। अब जो एग्जांपल बता रहा हूं उसको ध्यान समझना, जैसे कि मान लीजिए एक है आपका कपास यानी कि कॉटन, कपास, रुई, कॉटन, कपास जो है यह प्रकृति से मिलता है, एक प्रकार का फसल है, प्रकृति से मिला तो यह कहलाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। अब उस कपास को ले जा करके इंडस्ट्री में उससे धागा बनाया जाएगा, धागा से एक शर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, कपास को कहां ले गए, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में जा करके उससे हमने क्या किया, एक उससे धागा बनाया, और धागा बना करके क्या किया उसमें हमने, उससे एक शर्ट बनाया। तो जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेस हो रहा है,
तो ये इंडस्ट्री आपका कहलाएगा द्वितीयक क्षेत्र। इंडस्ट्री क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। यहां पे जो आपका खेत 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 के माध्यम से आपका जो कपास प्राप्त हुआ ये कहलाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। और इस इंडस्ट्री में जो आपके वर्कर जो काम करेंगे, इंडस्ट्री में जो आपके वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वर्कर जो काम कर रहे हैं, ये कहलाते हैं आपके तृतीयक क्षेत्र, जो कि द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वही कहा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र ऐसी वस्तु एवं सेवाएं जो कि हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होती है, द्वितीयक क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, तृतीयक क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिताएं इसके अंतर्गत शामिल होती है। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र जिसमें आपका व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, संग्रहण एवं संचार, रेलवे, रेलवे तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है आपका तृतीयक क्षेत्र में योगदान आपका रेलवे का है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका परिवहन यानी कि रेलवे के अतिरिक्त जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो, भंडारण, संचारण, संचार एवं प्रसारण सेवा, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, आवास गृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन व अन्य सेवा, ये सभी के सभी आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसके अलावा आपको पढ़ने के लिए मिलता है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। ठीक है, सुनने में तो सभी के सभी अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र दोनों सेम है, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में अगर हम ये जो प्राथमिक क्षेत्र के जो इतने सारे चीजें शामिल है इसमें से अगर हम खनन उत्खनन को, ठीक है, इसमें से अगर हम जो है आपके खनन उत्खनन को हटा दे, ये जो आपका एग्जांपल दिया गया है इसमें से अगर हम खनन उत्खनन को हटा दे तो ये हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र, वही कहा गया है। कृषि क्षेत्र जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल जितनी भी आपके इसके अंतर्गत जितने भी घटक शामिल है उसमें से अगर हम खनन उत्खनन को हटा दे तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाएगी? फसलें, पशुपालन, वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, ये सभी के सभी आपके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी। उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आपके द्वितीयक क्षेत्र के सारे जो यहां पे लिखा गया है, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, अन्य उपयोगिताएं, इसके साथ साथ अगर हम खनन उत्खनन को जोड़ दे तो ये उद्योग क्षेत्र कहलाता है। जबकि सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में आपके तृतीयक क्षेत्र सभी शामिल है। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का टेबल भी उठा करके देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में जो है केवल इतनों शुरू शुरू के जो ये चार है इतने के डाटा बस शामिल किए जाते हैं, लेकिन खनन उत्खनन को उद्योग में जोड़ करके उसमें दर्शाया गया टेबल में। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का आप टेबल उठा करके देख सकते हैं। तो उसी चीज को यहां पर समझाया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के सभी घटक शामिल होंगे केवल खनन उत्खनन को छोड़ करके, जबकि उद्योग में द्वितीयक क्षेत्र की जितनी भी सेवाएं, उद्योग क्षेत्र के जितने भी घटक है और खनन उत्खनन, तब कहलाएगा ये उद्योग क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक क्षेत्र, डायरेक्ट जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी चीजें आएगी वह आपका सेवा क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल देगा, एक आधी एग्जाम्पल इधर से डाल देगा तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो खनन उत्खनन है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, न कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में डिफरेंस है, यही समझा रहा हूं इतने देर से। ठीक है, खनन उत्खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए अभी हम जहां से शुरू किए थे वहीं पर जाते हैं। देखिए यहां पर हम देख रहे थे सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रावार, जो अभी हम इतना सारा क्षेत्र देखे हैं उस पर चर्चा हो रही है। क्षेत्रावार अग्रिम अनुमान प्रतिशत वृद्धि 2021-22, यहां पर आपका स्थिर भाव पर बताया गया, यहां पर प्रचलित भाव पर बताया गया। सबसे पहले कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के लिए वृद्धि दर्ज की गई आपकी 3.88% की, उद्योग क्षेत्र में स्थिर भाव में वृद्धि दर्ज की गई 15.44% की, और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई 8.54% की। ये सभी के सभी वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित वृद्धि है। ठीक है, अनुमानित वृद्धि है आपका क्षेत्रावार। कृषि क्षेत्र में 3.88% की वृद्धि दर्ज की गई, उद्योग क्षेत्र में 15.44% और सेवा क्षेत्र में 8.54% की। अगर हम इसके क्षेत्रावार वृद्धि की बात करें तो अभी हमने देखा कृषि क्षेत्र में और प्राथमिक क्षेत्र में डिफरेंस हमने देखा था। तो कृषि क्षेत्र में जो आपके जितने घटक शामिल थे, फसलें हो गया, मछली पालन, पशु पालन, वन उद्योग, लट्ठे बनाना, ये कृषि क्षेत्र में है।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, स्थिर कीमतों पर मछली उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, कृषि क्षेत्र के मछली उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उद्योग क्षेत्र के निर्माण क्षेत्र में, स्पेशली निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, लगभग 20.94% 20.94% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सेवा क्षेत्र में के अंतर्गत रेलवे में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 29.14% यानी कि 29.14% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखिए यहां पर है आपका प्रचलित भाव, यहां पर कृषि क्षेत्र प्रचलित भाव वर्ष 2021-22 के लिए प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 8.93% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उद्योग क्षेत्र में 17.27% की वृद्धि दर्ज की गई और सेवा क्षेत्र में 11.29% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 8.93% की वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 17.27% की वृद्धि, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.29% की वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए यहां पर मैंने एक करेक्शन कराया था, ठीक है, जो आपको मैंने पहले पेज में ही दिखाया था, ध्यान दीजिएगा ये करेक्शन क्या था। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसको आपको करेक्ट करना है, पेज नंबर 14 छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे की बुक का, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे की बुक का क्षेत्रवार सर्वाधिक वृद्धि प्रचलित भाव पर, यहां पर मछली पालन को काटे क्या करना है, पशुपालन कितना है 12.41%, ठीक है 12.41% आपको यहां पर करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो आपका मछली पालन है इसे करना है आपका पशु पालन, ठीक है, और इसका परसेंट है 12.41%, इसका जो है करेक्शन मैंने शुरू में बताया था, इसको बुक में करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, निर्माण क्षेत्र प्रचलित भाव पर उद्योग क्षेत्र के निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 23.43% यानी कि 23.43% की, जबकि सेवा क्षेत्र में अगर स्थिर की बात किया जाए, प्रचलित की बात किया जाए, तो दोनों में है आपका रेलवे जिसमें 30.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये टेबल याद करना है। स्पेशली देखिए अभी तक जो है इसमें या तो फसलें आता था या तो पशुपालन आता था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार स्थिर कीमतों पर मछली उद्योग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्षेत्रवार अग्रिम अनुमानित प्रतिशत भागीदारी, यहां पर भागीदारी की बात हो रही है। ठीक है, देखिए स्थिर कीमत पर हमारे छत्तीसगढ़ के GDP का आकार कितना है, 2,78,496 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ GDP का आकार कितना है, 2,78,496 करोड़ रुपए। इस 2,78,496 करोड़ रुपए में से 16.73% का जो हिस्सा है ये कृषि क्षेत्र का है। ये जो आपका छत्तीसगढ़ का जो GDP का आकार है स्थिर कीमत पर 2,78,496 करोड़ रुपए, इस 2,78,496 करोड़ रुपए में से 16.73% 16.73% का योगदान कृषि क्षेत्र का है, जबकि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 50.61% यानी कि 50.61% की भागीदारी रखता है, जबकि छत्तीसगढ़ के कुल GDP में से आपका सेवा क्षेत्र का योगदान 32.66% यानी कि 32.66% का हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का भागीदारी सर्वाधिक है, तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है, उद्योग क्षेत्र का भागीदारी सर्वाधिक है जबकि कृषि क्षेत्र का भागीदारी कम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, परसेंटेज याद रखिएगा, डायरेक्ट परसेंटेज से प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपका कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमत पर कितना अनुमानित है, तो 16.73%, उद्योग क्षेत्र में कितना अनुमानित है 50.61 यानी कि 50.61% और सेवा क्षेत्र में 32.66%। तो ये प्रश्न भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात हो रही है आपकी कृषि क्षेत्र की, तो इस कृषि क्षेत्र में से सर्वाधिक भागीदारी, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हमने घटक देखा था फसलें, पशुपालन, मछली उद्योग, वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, तो इस कृषि क्षेत्र में जो सर्वाधिक भागीदारी है वो है आपके फसलों की। ठीक है, उसके घटकों में से सर्वाधिक जो भागीदारी है वो है फसलों की 10.09%।
ठीक है 10.09% की भागीदारी है। अगर हम उद्योग क्षेत्र में बात करें तो उद्योग क्षेत्र के घटकों में से सर्वाधिक भागीदारी है आपके विनिर्माण की 20.38%, 20.38%। अगर हम सेवा क्षेत्र में बात करें तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी आपकी अन्य सेवाओं की जो मिसलेनियस है उनकी 7.20%। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये परसेंटेज याद रखना है। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रक्षेत्र की, इसे प्रक्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रक्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, तो वो है आपके फसलों की। ठीक है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपकी अन्य सेवाएं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है, इसे भी याद रखिएगा कि उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत किस आपके प्रक्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है, तो वो है आपके विनिर्माण की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये तो था स्थिर कीमत, अब देखेंगे आप प्रचलित कीमत पर। प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी 60 करोड़ रुपए। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के आपके जीएसडीपी का आकार है वर्ष 2021-22 के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस छत्तीसगढ़ के जो प्रचलित कीमत पर जीएसडीपी का आकार है 4,60,00,000 करोड़ रुपए, उसमें से कृषि क्षेत्र की भागीदारी है 21.82%। छत्तीसगढ़ के प्रचलित कीमत पर कुल जीएसडीपी का 21.82% भागीदारी कृषि क्षेत्र का है, जबकि उद्योग क्षेत्र का 42.79%, यानी कि 42.79% किसका है, यह उद्योग क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का है 35.39%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में प्रचलित कीमत पर कुल जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 21.82%, सेवा क्षेत्र की भागीदारी 35.39%, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 42.79%। तो ये सारे परसेंटेज को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सर्वाधिक भागीदारी कृषि क्षेत्र के किस घटक का है, तो वो है आपके फसलों का, लगभग आपके 12.65%, 12.65%। अगर हम उद्योग क्षेत्र में बात करें तो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले स्थिर कीमत पर सर्वाधिक भागीदारी उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन से प्रक्षेत्र की थी, वो था आपका विनिर्माण, और यहां क्या है, निर्माण। ठीक है, यहां है आपका निर्माण, निर्माण किसमें है, निर्माण है आपका प्रचलित कीमत पर, प्रचलित कीमत पर क्या है, निर्माण, जबकि स्थिर कीमत पर क्या था, स्थिर कीमत पर था आपका विनिर्माण। ठीक है, 15.82%। और अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में अन्य सेवाएं 8.19% की भागीदारी है। ठीक है, तो इतने सारे चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, ये पाई चार्ट को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये पाई चार्ट आपको जो है अलग से बना करके यहां पे दर्शाया गया है, काफी इजी वे में समझाया गया है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का बुक उठा करके देखेंगे तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड एक अलग से डायग्राम बनाया गया है, सर्वाधिक वृद्धि के लिए टेबल बनाया गया है, वो सारे चीजों को एक ही जगह पे मैंने यहां पे दर्शा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रक्षेत्रवार, यहां पे वही प्रक्षेत्रों की बात की जा रही है, प्रक्षेत्रवार अग्रिम अनुमानित प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत भागीदारी, दोनों को एक साथ दर्शाया गया वर्ष 2021-22 के लिए। अगर हम बात करें, यहां पर दिया गया है प्रतिशत वृद्धि, यहां पर बताया गया प्रतिशत भागीदारी, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूरा बात हो रहा है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जितने प्रक्षेत्र थे, यानी कि आपका फसलें, पशुपालन, मछली उद्योग, वन उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, फिर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे, भंडारण, सभी को कंबाइन करके सभी में से किसमें सर्वाधिक और किसमें न्यूनतम है यह बताया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके स्थिर भाव पर तीनों घटकों में से, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, तीनों घटकों में से सर्वाधिक, सर्वाधिक वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है रेलवे में। ठीक है, रेलवे में 29.14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि प्रचलित कीमत पर तीनों क्षेत्र में से आपका उद्योग क्षेत्र के विनिर्माण में आपका 20.38% की सर्वाधिक भागीदारी दर्ज की गई है। यह क्या है, यह है वृद्धि, यह क्या है भागीदारी। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है आपका भंडारण, दोनों में आपका भंडारण है। ठीक है, तो आपसे ये दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के लिए किस प्रक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, किस प्रक्षेत्र में, यानी कि इसमें कृषि क्षेत्र के जितने घटक है, उद्योग क्षेत्र के जितने घटक है, सेवा क्षेत्र के जितने घटक है, उन सभी में से सर्वाधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई, रेलवे में। सर्वाधिक भागीदारी किसकी रही वर्ष 2021-22 के लिए, विनिर्माण की। ठीक है, परसेंटेज को आप याद कर लीजिएगा, और न्यूनतम पूछे तो दोनों में है भंडारण। ठीक, अब देखिए, खनन उत्खनन प्रक्षेत्र प्रतिशत वृद्धि एवं कमी स्थिर भाव पर, इसमें हम स्थिर भाव को ही देखेंगे,
खनन तथा उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया गया है, इसमें आपको कुछ 4-5 साल के आंकड़े एक साथ याद करने पड़ेंगे क्योंकि इससे बड़े उटपटांग प्रकार उटपटांग प्रश्न पूछता है। 2016-17 में इसमें 9.53% इसका जो है प्रतिशत वृद्धि रहा। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव है, प्रतिशत वृद्धि रहा। 17-18 में 6.81%, 6.81% इसमें वृद्धि दर्ज की गई। 18-19 में 7.96% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2019-22 में इसमें निगेटिव रहा, -1.96%। 2021 में जो है 8.96%, 8.96%, और आपका 21-22 में, ठीक है, ये 2021 है, ये 21-22 है, 21-22 में 17.23% का सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका विगत 6 वर्षों में, पिछले 6 वर्षों में किस वर्ष खनन तथा उत्खनन प्रक्षेत्र, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई? तो किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, यह है आपका वर्ष 2021-22, जिसमें पिछले 6 सालों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, 17.23%। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में किस वर्ष आपका सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो वो है आपका वर्ष 2020-21। लाइन से 2 वर्ष है, वर्ष 2020-21 कोरोना काल का समय रहा, सारे कार्य बंद थे, खनन उत्खनन का भी जो है इस पर प्रभाव पड़ा, जिसमें 8.96% सर्वाधिक कमी इस वर्ष दर्ज की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खनन तथा उत्खनन में के प्रतिशत जो आपका वृद्धि है, इसका ग्राफ किस प्रकार का है? बढ़ता घटता ग्राफ है। ठीक है, ये भी है, देखिए क्या एक साल का प्रश्न पूछा था कि खनन उत्खनन प्रक्षेत्र में जो है इसकी जो आपकी वृद्धि दर है ये किस प्रकार की है, स्थिर है, घटने की प्रवृत्ति है, बढ़ने की प्रवृत्ति है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका इसमें अधिक था, फिर ये कम हुआ, फिर जो है बढ़ा, फिर इसमें माइनस में चला गया, फिर और माइनस में चला गया, फिर बढ़ गया, तो इसमें जो है घटने बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार का भी जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास दर, इसमें कुछ नहीं, इंडिया के साथ कंपैरिजन किया गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहां पे छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं, यहां पे भारत के आंकड़े हैं। आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर यानी कि आपका वही जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ का आपका जीएसडीपी रहा 11 वर्ष, देखिए आर्थिक स्थिति 2021-22 अग्रिम अनुमान, यहां पे स्थिर भाव पर बात किया जा रहा है, अक्सर जो है एग्जाम में स्थिर भाव के आंकड़े पूछता है। छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा आपका 11.54%, यानी कि 11.54%, जबकि जो है भारत का रहा 9.2%, यानी कि हमारा छत्तीसगढ़ भारत के कंपैरिजन में यहां का विकास दर अधिक है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है, जो विकास दर है, ये रहा आपका 3.88%, 3.88%, जबकि भारत का रहा 3.9%। तो यहां छत्तीसगढ़ जो है देश इंडिया के कंपैरिजन में कम है। औद्योगिक क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र के अगर हम बात करें तो उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर जो है वर्ष 2021-22 के लिए वो रहा आपका 15.44%, 15.44%, जबकि भारत का रहा 11.8%। यहां पर छत्तीसगढ़ जो है इंडिया के कंपैरिजन में अधिक है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में विकास दर रहा सेवा क्षेत्र का 8.54%, जबकि भारत का रहा 8.2%, यानी कि यहां पर जो है छत्तीसगढ़ इंडिया के कंपैरिजन में आगे है। ठीक है, तो कई बार कंपैरिजन ही पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, कथन आधारित प्रश्न में ये कंपैरिजन पूछ सकता है। तो देखिए औद्योगिक विकास दर छत्तीसगढ़ कितना है 11.54, कृषि विकास दर कितना है 3.88, उद्योग विकास दर या औद्योगिक विकास दर कितना है 15.44, सेवा क्षेत्र विकास दर कितना है 8.54। सबसे पहले तो इसको याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, देखिए छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय, यहां पर बात, ये सारे के सारे आंकड़े किस पे है, स्थिर भाव पर है। ये प्रति व्यक्ति आय वाला जो आंकड़ा है ये प्रचलित कीमत पर है। प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो रहा 1,18,401 रुपए। ठीक है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि भारत का रहा 1,50,326 रुपए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, स्पेशली जो है आप स्थिर कीमतों के आंकड़ों को सबसे पहले याद रखेंगे। और लास्ट में ये हम कंपैरिजन देख चुके हैं जिसमें उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र किस प्रकार से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र से अलग है, यहां पर टेबल बनाकर दर्शाया गया है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा।
ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो करेक्शन बताया जा रहा है उस करेक्शन को भी कीजिएगा बुक में, ठीक है, क्योंकि हर किसी को एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है। जो भी करेक्शन बताया जाता है उस करेक्शन को जरूर अपने बुक में टाइम निकाल करके अपडेट कीजिए। और बुक को तो अब आप ऑनलाइन CGPSE पाठशाला के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे कुरियर के माध्यम से आपके घर में होम डिलीवर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।